361R ट्विन एडिशन ट्राई करने के लिए। मैंने इस पे काफी टाइम रिसर्च करने के बाद इसको परचेज किया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी ये डायलॉग इनका। I will clean this city. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। मैं ठीक हूँ और ये भी ठीक है। तो आज हम लोग सलमान खान की जो काफ़ी अवेटेड फिल्म है राधे, और इस पहले ये हो गई थी डिले क्योंकि अभी जो पेंडेमिक चल रहा है और उसमें जो राइज हुआ है तो उसमें सलमान खान ने ईद पर रिलीज़ करनी थी, फिर बोला कि नहीं अब क्योंकि ये बढ़ गया तो अब ईद से इसको आगे बड़ी ईद पे लेके जाएंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है वापस ये ईद पे ही रिलीज हो रही है 13 मई को। फाइनली सल्लू भाई की भी फिल्म आ रही है, काफी टाइम बाद आ रही है सलमान खान की। लास्ट भारत आई थी, उसके बाद अब ये आई है, उसके बाद आ रही है। तो खैर पेंडेमिक की वजह से काफी फिल्म रुक गई और OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है। खैर ये सुनने में आ रहा है कि ये OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ थिएटर्स में भी रिलीज होगी, क्योंकि सलमान खान का कहना था कि थिएटर में नहीं होगी तो मैं नहीं रिलीज करूंगा। और थिएटर्स भी वीरान पड़े हैं काफी टाइम से, तो अच्छी बात है। सलमान खान चाहते हैं कि अब थिएटर्स भी जाना फिर से आबाद हो जाए। हाँ खैर कुछ मूवीज लगी उस पर, मुंबई सागा और एक दो और, लेकिन अच्छी बात है अब थोड़ा थिएटर्स वगैरह भी खुलेंगे क्योंकि काफी पेंडेमिक ऐसा है कि उसमें वो रिस्क नहीं लोग लेना चाह रहे अपनी जान का कि इतने लोग इकट्ठे होकर के। खैर देखते हैं तब तक क्या हालात होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे ट्रेलर राधे मूवी का। नाम है प्रभु देवा, वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर जिन्होंने वॉन्टेड भी डायरेक्ट की थी। तो जैकी श्रॉफ हैं, रणदीप हुड्डा हैं, दिशा पाटनी हैं, और एक्शन फिल्म जाहिर सी बात है क्योंकि योर मोस्ट वॉन्टेड भाई तो हाँ, मुझे तो इसमें से मैं मतलब उम्मीद कर रहा हूँ कि वांटेड मूवी वाली फील्स आएंगी। तो देखते हैं, देखने के बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि हमें ट्रेलर कैसा लगा। स्टे विद अस। स्टार्ट। इसके मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज युवाओं की मौत हो रही है। ड्रग्स। गुड मॉर्निंग मुंबई। ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। शहर में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। वी हैव टू गेट दिस स्टॉप। आई लव इट। अच्छा ये विलन। ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं, इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट। यस सर। राधे 97 में भी था ऐसे। उसका काम करने का अपना तरीका है। अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है, अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। तुम्हें ये पुलिस का जॉब सूट नहीं करता। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? मेरे भैया ने। जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा। नादिया। ये तो अल्लू अर्जुन का गाना है मेरे ख्याल से। ये हमने देखा भी। कभी शगर? बिल्कुल नहीं सर। इनकाउंटर में मार दूंगा। पुलिस की नौकरी है, गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। मुजरिम हूँ, जान से मारना पड़ेगा। तुम्हारे 10वीं पास होने से पहले या तो वो जेल के अंदर होंगे या जमीन के अंदर। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी ये डायलॉग इनका। आई विल क्लीन दिस सिटी। जैकलीन। म्यूजिक अच्छा। जान बचा और निकल। राधे जाने के लिए नहीं, भेजने के लिए आया है, और तेरे हिस्से की बिरयानी हम सब मिल बांट कर खाएंगे और बोलेंगे ईद मुबारक।
ये सलमान खान का बड़ा अच्छा ना ईद मुबारक। ओके जी, फाइनली हमने राधे का ट्रेलर देख लिया है और फुल ऑन एक्शन, एक्शन ही एक्शन है। वांटेड वाली मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ बात आएगी, तो और वो जब वो आते हैं उनका दिखाते हैं तो सेम वांटेड की तरह गेटअप, वही राधे वाला जो उसमें भी राधे ही नाम होता है, तो वो गेटअप उसी तरह जो है सर पे बैंडाना। पुलिस ऑफिसर है ना इसमें, पुलिस ऑफिसर है इसमें, उसमें वांटेड में अंडर कवर पुलिस ऑफिसर होते हैं और 97 इनकाउंटर्स किए हुए हैं जी इन्होंने। और रणदीप हुड्डा जो कि इसमें गुंडे का रोल प्ले कर रहे हैं, उनको सीधा करने के लिए इनको बुलाया जाता है, ड्रग्स का है। तो बेसिकली मतलब है कि ऑनेस्टली बात करूँ तो स्टोरी कहीं ना कहीं वहीं आ जाती है कि भाई एक गुंडे को ठीक करने के लिए, पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला आता है। सेम वांटेड, और वांटेड में ये था कि उसमें भी वो गुंडे थे, गुंडों का ग्रुप होता है उनके बीच में, ये भी गुंडा बन के जाते हैं। इसमें थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो गई हाँ, कि इसमें जी यूथ मर रही है ड्रग्स ले लेके, और वो गुंडा जो है रणदीप हुड्डा वो शायद उनके पीछे है, तो उनको पकड़ा जा नहीं रहा किसी से, तो एक ही बंदा है जो कर सकता है, वो वही वाले जो कमिश्नर बने वो भी वही वाले थे जो उसमें थे। तो सलमान खान के डायलॉग्स कुछ ऐसे हैं जो शायद वो इनके वन लाइनर्स होते हैं जो लोगों के मुंह पे रह जाते हैं ना, तो उसमें से एक वो मैं तो नहीं बोलना चाहूँगा, वो जो फेफड़े वाला था एक वो था, फिर उसके अलावा एक था वही भी वांटेड वाला भी इन्होंने बोला कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं इसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। फिर एंड में एक वो तेरे से की बिरयानी उसको कहते हैं, हम खाएंगे और बोलेंगे ईद मुबारक, क्योंकि ईद पे रिलीज़ हो रही है। और पहले मुझे लगा सलमान खान, एक वो वाला सीन भी मजे का था जिसमें वो एक लड़की उनके साथ जो हीरोइन है दिशा, हाँ दिशा के, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, हाँ उसने कहा कि दिया, वो कहते हैं जब मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा, नादिया, वो उसको टॉन्ट किया ना एक किस्म का। और जैकलीन नजर आ रही है एक गाने में, एक गाना अल्लू अर्जुन के गाने की कॉपी है सिटी मार, मैं कहूँ यार मेरे दिमाग में ये ट्यून घूम पड़ी सिटी मार सिटी मार, अब ये सेम टू सेम वही गाना है मेरा, जाता ऐसा तो हो नहीं सकता कि बॉलीवुड में कोई चीज कॉपी ना, कोई चीज रीमेक ना हो रही हो। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ठीक ठाक लगा है, लेकिन सलमान खान का एक चार्म ऐसा है, लोग उनको इतने फैंस हैं उनके, उनका एक्शन ऐसा है, ब्रेसलेट से हम पहचान जाते हैं सलमान खान, तो उनका एक्शन लोग देखेंगे यहाँ पे, वन लाइनर्स उनके बहुत अच्छे होते हैं जो वो बोलते हैं, और म्यूजिक अभी तो मुझे कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगा। एक बीच में वीडियो के दौरान एक आया था म्यूजिक, सलमान खान ने वो एक फुल अपना हेड शर्ट के साथ कवर किया हुआ है, हाँ एक वो स्टेप आया था। फिर एक एक्शन भी मजे का था, वो रस्सियों के साथ एक गुंडे को जो पकड़ा होता है, वो जब आ रहे होते हैं तो चने या कुछ खा रहे होते हैं एक गुंडे के ऊपर फेंकते हैं। तो दूसरा ये कि सलमान खान ने आज तक ऑन स्क्रीन किस नहीं कभी किया, तो एक सीन आया तो उसमें मुझे भी लगा यार ये इन्होंने अपनी वो तोड़ दी पॉलिसी शायद, लेकिन वो था कि चिन पे किस कर रहे थे। तो ये था सल्लू भाई अपनी वो जो है ना कमिटमेंट से हटते नहीं हैं, तो उनकी कमिटमेंट थी। खैर तो ओवरऑल ट्रेलर वाज गुड, नॉट समथिंग मतलब जो कि अनएक्सपेक्टेड था या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट गुड। और फैंस जो इनके डाई हार्ड फैंस हैं जैसे कि ये भी बैठी हुई है, तो इनको तो बहुत ही कमाल लगा होगा, लेकिन हमें भी अच्छा लगा। मुझे सलमान खान बहुत अच्छा, हाँ मुझे एक चीज़ पसंद है, प्रभु देवा और सलमान खान का कॉम्बो मुझे अच्छा लगता है। वांटेड में उनकी डायरेक्शन थी और इनका वो था एक्टिंग थी, तो अच्छा था। नो डाउट सलमान खान की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, ये जब एक्शन फिल्म्स करते हैं ना तो बहुत मतलब उनकी अच्छी लाजवाब इनके एक्शन हाँ, और दिशा का कोई इतना खास नहीं दिखाया यहाँ पे, बस उनका लव इंटरेस्ट शायद होंगी सलमान खान का, ट्रेलर है ना, जैकी श्रॉफ दिशा के भाई हैं क्या, वो कहते हैं तू मेरी बहन से प्यार करता है तो मैं तेरा इनकाउंटर कर दूँ, इस तरह का कुछ इनकाउंटर कर दूँ, तो है नाइस। अब ईद पे जब ये आएगी, उससे पहले बल्कि गाने आएंगे इसके, तो गाने भी हम देखेंगे, उस पर भी रिएक्शन देंगे, और देखते हैं सिटी मार पहले रिलीज़ होता है कौन सा रिलीज़ होता है। तो गाइस आपको ट्रेलर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, और हमने जो सोचा जो हमारे दिल में था दिमाग में था वो मैंने बता दिया, जो इसके दिल और दिमाग में था वो उसने बता दिया। तो यही रिएक्शन की हमारी होता है कि हम जो दिल में है वो आपके सामने रख देते हैं। तो रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमारे ब्लॉग चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें जी बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट फोटोज़ वगैरह वहाँ पे देखने के लिए और अपडेट्स के लिए। तो हम लोग एक और रिएक्शन लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।